हेलो दोस्तों, ये अभिषेक, आप सभी का हमारे चैनल इंजीनियर बड़ी 07 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये अपने जो सेल्फ हॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है और इसमें हम देखने वाले हैं सैंडबॉक्स और इसके टाइप्स के बारे में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सैंडबॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इसका हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे कोई भी, तो डिप्लॉयमेंट में जो टेस्टिंग का काम है और डेवलपमेंट का काम है वो सैंडबॉक्स में होता है। प्रोडक्शन ऑर्ग में किसी भी कोड को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने से पहले या डिप्लॉय करने से पहले सैंडबॉक्स में अच्छे से टेस्टिंग करी जाती है, जिसके बाद ही हम प्रोडक्शन ऑर्ग में उसको डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो सैंडबॉक्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है, तो इस वजह से इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे, साथ ही साथ लाइसेंस के बारे में भी हम जानेंगे कि डिफरेंट तरीके के जो लाइसेंस है सेल्सफोर्स में वो कौन कौन से अवेलेबल है और उनकी प्राइसिंग क्या है। ठीक है, तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस प्लेलिस्ट को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये जो प्लेलिस्ट है वो पहुँच सके और वो भी इस प्लेलिस्ट का बेनिफिट उठा सके। सो चलिए चलते हैं इस फर्स्ट जो स्लाइड है अपनी उस पर। तो सैंडबॉक्स एंड इट्स टाइप्स, तो बेसिकली लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सेल्फोर्स एनवायरनमेंट तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट: डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन। ओके, तो सैंडबॉक्स क्या होता है, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा बहुत समझा था, इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं कि सैंडबॉक्स होता क्या है। तो ए सैंडबॉक्स इज आइडेंटिकल कॉपी ऑफ प्रोडक्शन, ऑल द डेवलपमेंट एंड कोडिंग पार्ट डन ऑन सैंडबॉक्स एंड आफ्टर दैट टेस्टिंग इट डिप्लॉय देम टू प्रोडक्शन। तो बेसिकली क्या होता है कि सैंडबॉक्स एक आइडेंटिकल कॉपी होती है प्रोडक्शन की, और डेवलपमेंट और कोडिंग का जो भी काम होता है वो सैंडबॉक्स के अंदर ही किया जाता है, और जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उसकी टेस्टिंग करी जाती है, टेस्टिंग के बाद ही उसको डिप्लॉय किया जाता है प्रोडक्शन में। यानी प्रोडक्शन में यहाँ पे कोई भी काम डायरेक्टली नहीं किया जाता। और प्रोडक्शन क्या होता है इसके जानने के लिए आप मेरी लास्ट वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में आपको बताया था कि प्रोडक्शन होता क्या है। ओके, ए सैंडबॉक्स इज ए कॉपी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इन ए सेपरेट एनवायरनमेंट दैट यू कैन यूज फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पस सच एज टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। ओके, सैंडबॉक्सेस आर आइसोलेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, मीनिंग चेंजेस मेड इन सैंडबॉक्स डू नॉट अफेक्ट द लाइव सिस्टम एंटिल दे आर डिप्लॉयड। तो बेसिकली प्रोडक्शन क्या होता है, एक लाइव सिस्टम होता है जिसमें यूजर्स डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं आपकी वेबसाइट से, एप्लीकेशन से। तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्शन ओर्ग में अपना जो कोड है उसका चेंजेस नहीं करा जाता, पहले सैंडबॉक्स में करा जाता है, उसके बाद टेस्टिंग करी जाती है, फिर ही कोड को डिप्लॉय किया जाता है जो मेन अपना एप्लीकेशन है उसके अंदर। तो बेसिकली सैंडबॉक्स का काफ़ी अच्छा रोल होता है, और ये बिल्कुल आइसोलेटेड होता है प्रोडक्शन वर्क से, यानी सैंडबॉक्स में जो भी चेंजेस करेंगे वो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं डालेगा प्रोडक्शन वर्क में। सैंडबॉक्स कैन बी रिफ्रेश्ड पीरियडिकली टू एंश्योर दैट दे कंटेन अप टू डेट डेटा एंड मेटा डेटा फ्रॉम द प्रोडक्शन एनवायरमेंट, दिस हेल्प्स कीप सैंडबॉक्स रिलेवेंट फॉर टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट पर्पज़। तो बेसिकली सैंडबॉक्स का जो डेटा है जो कि सैंडबॉक्स एक्वायर करता है या कंटेन करता है, तो उसका यूज़ यहाँ पे टेस्टिंग के लिए और डेवलपमेंट के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि रिलेवेंट डेटा होता है, और प्रोडक्शन से डायरेक्टली वो जो डेटा है वो कंटेन किया जाता है सैंडबॉक्स में। अब सैंडबॉक्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो कि डिटेल में देखने वाले हैं। फर्स्ट है पार्शियल कॉपी सैंडबॉक्स, सेकेंड फुल कॉपी सैंडबॉक्स, थर्ड डेवलपर सैंडबॉक्स, फोर्थ डेवलपर प्रो सैंडबॉक्स। अब इन चारों में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है, तो ये देखने वाले हैं, और कौन सा सैंडबॉक्स हम किस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट पे और जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट पे। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो एक डायग्राम दिया गया है इस पर साफ साफ बताया गया है कुछ चीज़ें जो कि अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे, इस डायग्राम पे दोबारा आएंगे। पहले समझ लेते हैं कि बेसिकली जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंडबॉक्स है वो होते क्या हैं। तो पार्शियल कॉपी सैंडबॉक्स की बात करते हैं। सो पार्शियल कॉपी क्या होता है कि ये पर्टिकुलर कुछ
टेस्ट ऑफ डेटा को कंटेन करता है, ओके, कंप्लीटली डेटा को कंटेन नहीं करता, ओनली थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट या फिर रिसेंटली जो यूज्ड डेटा होते हैं उनको कंटेन करता है। और इसकी जो स्टोरेज लिमिट है वो 5 GB होती है। फुल कॉपी सैंडबॉक्स में क्या होता है, कंप्लीटली जो प्रोडक्शन ऑर्ग में डेटा होता है वो कंप्लीटली यहाँ पे सेव्ड रहता है फुल कॉपी सैंडबॉक्स में, और डायरेक्टली यहाँ पे जो चेंजेस है वो करे जाते हैं, और टेस्टिंग इसी सैंडबॉक्स में करी जाती है और अच्छे से करी जाती है। उसके बाद ही कोड को डिप्लॉय किया जाता है, या फिर कुछ भी चीज़ें जो चेंजेस होते हैं वो यहाँ पे टेस्टिंग करने के बाद ही करे जाते हैं। इसमें थोड़ी बहुत एडिशनल कोस्टिंग रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली आप यदि ज़्यादा स्टोरेज यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा बहुत कॉस्ट तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉस्टली होता है, बट यहाँ पे कंप्लीट डेटा को स्टोर कर लेता है, जबकि पार्शियल में, जो कि पार्शियल में जो सबसेट ऑफ डेटा यानी कि थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट डेटा है टेस्ट ऑफ डेटा उनको ही कंटेन करता है पार्शियल कॉपी सैंडबॉक्स, जबकि फुल कॉपी सैंडबॉक्स कंप्लीट डेटा को यहाँ पे स्टोर कर लेता है, जब भी इसको आइडेंटिकल कॉपी ऑफ प्रोडक्शन और कहते हैं। तो ये दोनों जो फुल कॉपी सैंडबॉक्स एंड पार्शियल कॉपी सैंडबॉक्स हैं वो किस में यूज़ किए जाते हैं, टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करे जाते हैं, जबकि जो नीचे वाले दो पढ़ने वाले हैं डेवलपर सैंडबॉक्स एंड डेवलपर प्रो सैंडबॉक्स, ये हम डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ओके। और कस्टमाइजेशन हम चारों में कर सकते हैं, टेस्टिंग करते टाइम भी कस्टमाइजेशन फुल कॉपी सैंडबॉक्स एंड पार्शियल कॉपी सैंडबॉक्स में कर सकते हैं। अब डेवलपर सैंडबॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो डेवलपर सैंडबॉक्स क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे अपन डेवलपमेंट का जो काम है वो कर लेते हैं, लिमिटेड स्टोरेज होता है, डेटा स्टोरेज होता है, और जो प्रोडक्शन का डेटा है वो बिल्कुल भी कंटेन नहीं करता, ही दोनों ही नहीं करते, डेवलपरों और डेवलपर सैंडबॉक्स। यहाँ पे स्टोरेज लिमिटेड होता है, 200 MB होता है, और यहाँ पे जितना भी डेवलपमेंट का काम है स्मॉल डेवलपमेंट का वो यहाँ पे डेवलपर सैंडबॉक्स में करा जाता है, जबकि डेवलपर प्रो सैंडबॉक्स में थोड़ा बहुत एडिशनल स्टोरेज मिल जाता है, बाकी सब फंक्शनैलिटी डेवलपर सैंडबॉक्स की तरह ही रहती है, ओके। अब डायग्राम पे दोबारा आते हैं, तो डायग्राम में सिंपली आप समझ गए होंगे कि पार्शियल कॉपी में डायरेक्टली यहाँ पे बताया गया है कि पार्शियल कॉपी में 5 GB डेटा स्टोरेज होता है, और 20% ऑफ नेट स्पेंड कर पाता है ये जो भी अपना सैंडबॉक्स है उसका। फुल कॉपी सैंडबॉक्स यहाँ पे इक्वली जो प्रोडक्शन ऑर्ग है उसका कॉपी होता है, स्टोरेज भी सेम वहाँ पे कंटेन करता है, बस एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है। डेवलपर सैंडबॉक्स यहाँ पे 200 MB जो मिलता है, डेवलपर प्रो सैंडबॉक्स में 1 GB मिलता है, ओके। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे सैंडबॉक्स के डिफरेंट टाइप्स की। तो बेसिकली क्या होता है यार, कि जो भी डेटा है प्रोडक्शन ऑर्ग का वो यहाँ पे सैंडबॉक्स में भेजा जाता है, फिर सैंडबॉक्स में जो भी कस्टमाइजेशन है वो करी जाती है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करी जाती है, यानी डेवलपमेंट और टेस्टिंग दो काम यहाँ पे सैंडबॉक्स में करे जाते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर दिया जाता है कोड को, जिसको यूज़ करने करके जो यूज़र्स हैं वो यहाँ पे अपने जो जो कोई भी टास्क है वो परफॉर्म करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि सेल्सफोर्स लाइसेंस, यानी सेल्सफोर्स कितने प्रकार के लाइसेंस हमें प्रोवाइड कराता है। तो बेसिकली रिसेंटली जो सेल्सफोर्स की ऑफिशियल साइट पे ये 5 तरह के यहाँ पे लाइसेंसेस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं सेल्सफोर्स के द्वारा, और लास्ट टाइम की तुलना में थोड़े बहुत यहाँ पे डॉलर भी बढ़े हैं, यानी चार्जेस बढ़े हैं। तो पहले पहले की बात छोड़ो, अभी देखते हैं कि सेल्सफोर्स ऑफर्स मल्टीपल CRM एडिशन लाइक एसेंशियल, प्रोफेशनल, एंटरप्राइज, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड प्लस। तो ये बेसिकली यहाँ पे फीचर्स के बेस पे और जो यूज़र हैं उसके बेस पे यहाँ पे ये लाइसेंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो एसेंशियल में जो भी फीचर्स हैं उनके लिए $25 पर यूज़र पर मंथ यहाँ पे करने पड़ते हैं किसी भी कस्टमर को, और प्रोफेशनल के लिए $80 पर मंथ एक यूज़र को पे करने पड़ते हैं, एंटरप्राइज $165 यहाँ पे करने पड़ते हैं, अनलिमिटेड के लिए $330 पर यूज़र पर मंथ पे करना पड़ता है, और अनलिमिटेड प्लस के लिए यहाँ पे $500 पे करना पड़ता है, ठीक है।
तो ये चीज़ें हो गई, और थैंक यू यार, ये स्लाइड ख़त्म होती है। तो आई होप यार ये चीज़ें समझ में आई होगी, और मैं अभी ले चलता हूँ आपको सेल्सफोर्स की ऑफिशियल साइट पे। मैंने यहाँ पे प्राइसिंग ओपन करके रखी है, लिंक में डाल दूँगा, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे जो फीचर्स हैं, कि आप $25 वाला जो स्टार्टर प्लान है वो लोगे तो कौन कौन से फीचर यहाँ पे प्रोवाइड होंगे, तो वो दिखाए गए हैं। $80 के लिए ये वाला रहा, तो ये फीचर्स है बेसिकली। फीचर्स यदि आप ज़्यादा लेना चाहोगे तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, कम लेना चाहोगे तो थोड़ा बहुत कम यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको पे करना होगा। ओके, तो सेल्स प्राइस इसका लिंक में डाल दूंगा, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।